फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। स्वागत है आपका डैडीज किचन में। आज की मेरी रेसिपी है वेज कोरमा इन साउथ इंडियन स्टाइल। ये बनाने का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डैडीज किचन। इसके लिए हमें चाहिए करीबन 200 ग्राम फंसी बारीक कटी हुई, दो मीडियम साइज आलू मीडियम साइज में कटे हुए, एक कैरेट मीडियम साइज में कटा हुआ। इसे मैं डेढ़ ग्लास पानी में बॉईल कर लूंगी। जब तक हमारी वेजिटेबल्स बॉईल हो रही है तब तक हम इसका बेस बना लेते हैं। बेस बनाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, दालचीनी, 1 टेबलस्पून बड़ी सो, 4 लवंग और 2 इलायची मिक्सी जार में लेती हूँ। इसमें ऐड करूंगी हल्दी ड्राई स्पाइसेस में एंड 1 टेबलस्पून रेड मिर्ची पाउडर। इसमें अब मैं हमारे फ्रेश स्पाइसेस ऐड करूंगी, 2 ग्रीन चिल्ली, जिंजर, कोरिएंडर, 15 से 20 काजू, 1 टेबलस्पून खसखस पानी में भिगोया हुआ, 1 बड़ा टमाटर। इसकी मैं फाइन पेस्ट बना लूंगी। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। हमारा पैन गर्म हो चुका है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 पिंच ऑफ हींग, 1/4 टेबलस्पून पेस्ट। ये मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। काफी अच्छी खुशबू आ रही है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, यानी कि अपना हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच कोकोनट मिल्क। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। साउथ में ज्यादातर रेसिपी में कोकोनट या कोकोनट मिल्क यूज होता है। पानी के साथ ये पैन में ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसे मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे 5 मिनट। वाओ फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारा वेज कोरमा इन साउथ इंडियन स्टाइल रेडी हो चुका है। आप सर्व कर सकते हो राइस के साथ या इंडियन ब्रेड के साथ।